गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखें कि संधि टॉपिक में जो भी हमारा व्याकरण का चल रहा है उसमें पाठ्यक्रम देख करके जो जो बिंदु उनके आते हों उन उन्हीं की ही तैयारी करें, ये विशेष रूप से ध्यान में रहे। आज हम वृद्धि संधि की जानकारी प्राप्त करेंगे। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। नियम में मैंने क्या लिखा है, ए आ इसके बाद ए आई ओ औ लिख रखा है। ए के साथ अगर ए हो तो आई बनेगा, ए के साथ आई हो तो आई बनेगा, आ के साथ ए हो तो आई बनेगा, आ के साथ आई हो तो आई बनेगा। इसी क्रम में ए के साथ ओ हो तो औ बनेगा, ए के साथ औ हो तो औ बनेगा, आ के साथ ओ हो तो औ आएगा, आ के साथ औ हो तो भी औ आएगा। इसको इसके बाद मैंने एक ब्रैकेट में ये आई की मात्रा लिख रखी है। इस संधि की खास करके पहचान ये होती है कि इस संधि में दो मात्राएं लगी होती हैं, ये वृद्धि संधि की पहचान है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद एक प्लस एकम शब्द अलग अलग दो पद हैं, प्रथम पद द्वितीय पद। प्रथम पद के अंत में क की आवाज़ आ रही है तो इसमें ए स्वर है, जमा के बाद ए स्वर है, दोनों को मिलाने पर आई बनता है। तो यहाँ से जब पूरा शब्द बनाएंगे तो एक यहाँ तक तो पूरा ले आएंगे, और ये आई की जो मात्रा है ये इस कै के ऊपर लगा देंगे तो एक आई हो गया। इस ए का हमने प्रयोग में ले लिया, इसके बाद कम बचता है, ये कम इसके साथ जोड़ देंगे, एक आई कम पूरा शब्द बना। दूसरा देखें, यदा जमा एव लिखा है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। दूसरे पद में किस स्वर की आवाज़ आ रही है, आ की आ रही है, तो आ जमा ये ए आ गया, दोनों को मिलाकर के नियम के हिसाब से आई बना। अब इस पूरे शब्द को जब हम लिखेंगे तो यह तो यहाँ ज्यों का त्यों आ गया, और ये दा है यहाँ दा नहीं आएगा क्योंकि हमें आई की मात्रा बनानी है, तो दे के ऊपर हम आई की मात्रा लगा देंगे। इसके बाद ये ए हमने काम में ले लिया, वह शेष बचा, वह को इसके साथ जोड़ दिया, सदैव शब्द हुआ। नेक्स्ट देखें, परम ऐश्वर्यम। परम ऐश्वर्यम पहले पद में और दूसरे पद में अलग अलग ध्यान दें, इसमें मैं है तो ऐश्वर्य की आवाज़ है, जमा के बाद इसमें आई की आवाज़ आ रही है, दोनों को मिलाकर के ए और आई को मिलाकर के आई बनेगा। तो शब्द में क्या है, परम, परम तक तो यहाँ तक तो ज्यों का त्यों आ ही गया, आई की मात्रा मैं पर लगेगी इसलिए दो मात्राएं लगा दी। ये ए आई जो है हमने प्रयोग में ले लिया, इसके बाद जो शब्द बच रहा है शेष बचा हुआ है इसको इसके साथ जोड़ दिया तो ये पूरा परमैश्वर्यम शब्द बना। इसके बाद नेक्स्ट देखें, सदा प्लस एक्यम। पहला पद है सदा, दूसरा है एक्यम। सदा में आ की आवाज़ आ रही है, जमा के बाद आई की आवाज़ आ रही है, इन दोनों को लेकर के आई बनेगा। तो सदा तक तो सह तो यहाँ आई गया, और दे के ऊपर ये आई की मात्रा लगा दी, ऊपर दो आई हमने प्रयोग में ले लिया, शेष बचा आधा के ये और आधा में, ये इसके साथ जोड़ दिया तो ये पूरा शब्द बना। नेक्स्ट देखें, तंडुल प्लस ओदन। ओदन है तो तंडुल प्लस ओदनम जो लिखा है इसमें देखें, तंडुल में ले में है कि ए स्वर की आवाज़ है, जमा के बाद ओ स्वर है, दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा, नियम के हिसाब से ए और ओ को मिला के औ बनेगा। तो तंडुल जो है तंडुल तक लिख लिया, मात्रा किसकी लगा देंगे, औ की। तो यहाँ मैंने ये ऊपर दो और एक सामने एक लगा करके डंडे का निशान और औ की मात्रा बना दी, ये
ये ओ हमने काम में ले लिया, दे और ने और विसर्ग बचा, ये दे और ने यहाँ लगा करके विसर्ग लगाकर पूर्ण शब्द बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखें, कृष्ण प्लस ओत्कंठयम, कृष्ण में ऐश्वर है, जमा के बाद औ है, दोनों को मिलाकर के नियम के हिसाब से औ बनेगा। तो कृष्ण कृष्ण लिख करके हम ये औ की मात्रा लगा देंगे, कृष्णाउ हो जाएगा। ये औ हमने काम में ले लिया। इसके बाद शेष बचा हुआ जो वाक्य बचा हुआ जो शब्द है उसको हम इसके साथ जोड़ देंगे, पूरा हमारा शब्द हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें, महाप्लस ओज, ओज है, महाप्लस ओज लिखा है, तो महा में आ है और जमा के बाद ओ है, दोनों को मिलाकर औ बना, तो क्या हुआ, मैं और हा जो है इसके ये अपनी औ वाली मात्रा लगानी है, महा महू हो जाएगा, महू। और अंत में ये ओ तो हमने काम में ले लिया, अंत में शेष बचा जय, जय और विसर्ग इसके साथ जोड़ करके पूरा शब्द बनेगा। नेक्स्ट देखें, महा प्लस औषधम लिखा है, महा में आ और जमा के बाद औषधम का औ जो है वो आ गया, नियम के हिसाब से दोनों का औ बना। तो महा जो है वो ज्यों का त्यों लिखा, उसके बाद हमें क्या करना था, मात्रा लगानी है औ की, तो ये ऊपर दो मात्राएं लगा देंगे, औ हमने काम में ले लिया। ये बचा सैद है और आधा में, ये सैद है आधा में इसके साथ जोड़ देंगे, तो पूरा महाउ औषधम शब्द जो है बना। में यणसंधि आती है, यणसंधि को देखें, यणसंधि का सूत्र है इको यणची। नियम देखें, इस संधि को थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसमें नियम नंबर एक में लिखा है मैंने, ई ई के बाद एस मान स्वर हो तो ई ई का आधा ये हो जाता है, ऐसा मैंने लिखा है। राउंड करके दोबारा आपको बता देता हूँ, ई ई के बाद अगर असमान स्वर हो, असमान का मतलब ई के बाद अगर ए आ ई ई इनमें से ई ई को छोड़ कर के कोई स्वर आ जाए तो उसका आधा ये हो जाता है। ऊ ऊ के बाद असमान स्वर हो तो उसका आधा वे हो जाता है। री के बाद असमान स्वर हो तो उसका आधा रे हो जाता है, ऐसा राउंड लगा करके आपको दिखाया जा रहा है। ली के बाद अगर असमान स्वर हो तो उसका आधा लय हो जाता है, ये तो इसका था नियम। अब इसके देखें एग्जाम्पल, प्रति प्लस उवाच, दो अलग अलग पद हैं, प्रति में छोटी ई है, जमा ये ऊ है, तो हमें जैसे मैंने तीरों के निशान से आपको समझा रखा है उसको उसी हिसाब से समझ लेना। नियम में लिखा है कि ई ई के बाद अगर असमान स्वर हो तो उसका ये बन जाता है आधा ये, तो ई के बाद ऊ आया, इसका मतलब ई के बाद असमान स्वर हुआ, असमान स्वर हुआ तो पीछे जो ई है इसका आधा ये बना दिया। अब ऊ और ऊ को जब हम आधे ये के साथ मिलाएंगे तो इसका ये तीर के निशान से देखें, छोटा ऊ है इसलिए छोटा यू बनेगा, तो छोटा यू बनाना है जब हम पूरा शब्द बनाएंगे, तो ये इसका जो पूर्व में जो व्यंजन है इसका आधा हो जाएगा, आधा इसलिए होगा क्योंकि इसमें से ई हमने निकाल लिया था, इसलिए ये आधा तय बचेगा, हुआ नहीं है, ध्यान से देखें। जैसे जब किसी स्वर और व्यंजन के मिलने से कोई व्यंजन बनता है तो उसमें से स्वर निकालने पर आधा ही व्यंजन बचता है। तो यहाँ देखें, प्र तो आ गया ज्यों का त्यों, और ये जो है छोटी ई की ई को निकाल लिया तो आधा तय बचा, यहाँ आधा तय लगा दिया। नियम के हिसाब से जो तीर समझा रखें उसी हिसाब से देखें, ये छोटा यू हुआ और ये शेष बचे हुए जो वर्ण हैं वाच, ये इसके साथ जोड़ दिया तो ये हमारा पूर्ण शब्द बना। नेक्स्ट देखें, इति प्लस
ओत्सुक्यम शब्द लिखा है। तो इसमें ती में देखें, पहले पद के लास्ट में इसमें छोटा ई है, छोटा ई है, इसको निकाल लिया तो यहाँ बच गया आधा तय। ई का क्या बनेगा? यह बनेगा। अब जमा के निशान से आगे, जमा के निशान से आगे हमने ये जो औ है, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, ये औ है जमा के निशान के बाद, तो इसी औ को हम इस ये के साथ मिलाएंगे तो ये का यौ बन जाएगा। तो यहाँ ई और यहाँ बचा हुआ हमारा आधा तय, ई और आधा तय तो हमने ले लिया। फिर ये नेम के हिसाब से यौ बना, यौ लगा दिया। इस ओ का हमने प्रयोग कर ही चुके हम, तो इसके बाद जो बचे हैं वर्ण उनको इसके साथ जोड़ करके हमारा पूरा शब्द बन चुका। नेक्स्ट देखें, दधि प्लस अत्र है, तो दधि में छोटा ई है, जब छोटा ई अलग करेंगे तो ध क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा। इसके बाद ई का क्या बनाना? ये ई प्लस दूसरे पद में ए है, तो ई प्लस ए जो है ये बना। अब ए को ये के साथ मिलाएंगे तो ये पूरा ये बन जाएगा। पहले तो आधा ये, स्वर के साथ जब व्यंजन मिलाएंगे तो पूरा ये बन गया। हमारा पूरा शब्द क्या बनेगा, ध्यान दें, दे तो दे का आ ही गया सेम, ये ध हमारा क्या बचा? ई निकालने के बाद, स्वर को निकालने के बाद आधा ध बचा, आधा ध मैंने लिख दिया। और इसके बाद ये को पूरा बनाया है सूत्र के नियम के हिसाब से, यह पूरा बना, यह पूरा लिख दिया, और ये शेष बचा है त्रय वर्ण, तो त्रय वर्ण लगा दिया, इसलिए ये पूरा शब्द इस क्रम में बना। नेक्स्ट देखें, सुधि प्लस उपास्य है, सुधि में बड़ी की मात्रा है धी की, तो जब हम बड़ी ई की मात्रा को यहाँ अलग कर लेंगे तो क्या बच गया? आधा ध। इसके बाद ई का क्या बनेगा नियम के हिसाब से? आधा ये, और ये जब ऊ वर्ण है, इस ऊ वर्ण को इसके साथ मिलाएंगे तो ये स्वर और व्यंजन मिलकर के ये यू बनेगा। तो नियम के हिसाब से चल करके हम शब्द को देखेंगे, सू का सू आ गया, ये सू का सू यहाँ आ गया, इसमें आधा ध बचाए वो आधा ध यहाँ आ गया, ऊ का हमने प्रयोग कर ही लिया। इसके नियम में कौन सा बनता है? ये यू बनता है, ये यू लगा दिया यहाँ। इसके बाद आगे है पा से, ये पास है, ये इसके साथ जोड़ दिया, ये पूरा हमारा संधि का शब्द बना। नेक्स्ट देखें, मधु प्लस अत्र है, मधु में छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है तो हमने ऊ को अलग किया, ध ऑटोमेटिकली आधा हो गया, ऊ का वह बनेगा नियम के हिसाब से, वह बनेगा तो दूसरे पद में ए है, ए को इस वह के साथ मिलाएंगे तो स्वर और व्यंजन मिलकर के पूरा वह बन गया। नियम के हिसाब से मैं यहाँ मैं का मैं ले लिया, यहाँ से मैं उठाया, मैं का मैं आ गया, ध का ऊ निकाल दिया था, ये आधा ध बचा, आधा ध मैंने यहाँ लिख दिया। अब नियम के हिसाब से ये वह बना, वह भी लिख दिया, और इसमें शेष जो वर्ण है त्रय बचा है वो त्रय भी लिख दिया। इस क्रम में हमारा पूरा शब्द बना। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वधु प्लस आगमनम शब्द है, दो अलग अलग पद हैं, पहले पद में ऊ की बड़े ऊ की मात्रा है, प्लस आगम में आ है, ऊ और आ मिलाकर के क्या बनता है वो मैंने लिख रखा है। ऊ का जैसे ही वधु में से ऊ उठा लेंगे तो यहाँ आधा ध बच गया, ऊ का बनेगा व, आ के साथ जब साथ में जब व को मिलाएंगे, आधे व को मिलाएंगे तो ये पूरा वा बनेगा। अब देखें शब्द को बनाते समय, व का यहाँ व आ गया, इसका बड़ा ऊ निकाल दिया तो आधा ध बच गया, वो आधा ध मैंने यहाँ लिख दिया। ये हमारे नियम से जो वा बना है वो वा मैंने यहाँ लिख दिया, आ हमारा प्रयोग हो ही चुका था। इसके बाद
गमनम शब्द लिखा है तो गमनम इसके साथ जोड़ देंगे, पूरा हमारा संधि का शब्द बन चुका। नेक्स्ट देखें, धात्री प्लस अंश अंशह लिखा है, इसमें री की मात्रा है प्लस दूसरे पद का ए है, इसके ऊपर एक विसर्ग भी है, अनुस्वार भी है, सॉरी अनुस्वार है। अब री का आधा रे बना और इस ए को इसके साथ मिलाएंगे तो पूरा रे बना। यहाँ तक तो तुमको समझ में आ रहा है। अब देखिए, जब संस्कृत में हमारा पूरा वाक्य बन पूरा शब्द बनाएंगे तो धा जो है वो धा ज्यों का त्यों आ गया और ये आधा क्या बचा, तय, आधा तय और इस पूरे रे के साथ मिलाएंगे तो त्रय हो गया ये, तो यहाँ त्रय लिख दिया मैंने और ये अनुस्वार इसके ऊपर नियमानुसार जो था उसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया और ये लास्ट में जो वर्ण बचा स और विसर्ग, ये स और विसर्ग लगा करके हमारा पूरा वाक्य बन चुका। नेक्स्ट देखें, मातृ प्लस आज्ञा लिखा है, मातृ में री अलग कर दिया, शेष बचा यहाँ आधा तय। री का नियमानुसार जो है, री का मैंने ये बताया था कि री के बाद अगर एस मान स्वर हो तो आधा रे हो जाता है, तो ये आधा रे मैंने बना दिया। दूसरे पद में आ है, आ को और आधे रे को मिलाएंगे पूरा रा बन जाता है। तो यहाँ से जब शब्द की रचना करेंगे तो क्या आएगा, माँ तो माँ का आ ही जाएगा और आधा तय और इस रा को जब हम मिलाएंगे तो ये बना त्रा, तो यहाँ मैंने त्रा लिख दिया। आगे ग्या जो है वर्ण वो मैंने इसके साथ जोड़ दिया, ये पूरा मात्राज्ञा शब्द बना। नेक्स्ट देखें, लरी प्लस आकृति लिखा है तो नियम में लिखा है लरी के बाद अगर एसमान स्वर हो तो आधा ले हो जाता है, तो लरी का यहाँ री अलग कर लिया, जमा के निशान के बाद आ गया, री को अलग किया तो इसका आधा ले बनेगा, ले के साथ ही सा को मिलाएंगे तो ये ला बनेगा, तो नियम के हिसाब से ला बना। तो हम ला तो यहाँ लिख दिया हमने ला, और इसके बाद आ हमने काम में ले लिया था, शेष बचा कृति, कृति इसके साथ जोड़ दिया कृति ही और विसर्ग लगा है, इस क्रम में ये ला कृति ही शब्द बना। इस ये सारा जो मैंने आपको यण संधि समझाया है इसको आप थोड़ा एक बार रिवीजन कर लें ताकि अच्छा सा समझ में आ जाए। धन्यवाद।